तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। अब मैं भगवान शरणम यजबे कल के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे विषय लाए हैं आपके जीवन का जो सत्य है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस सत्य से वाकिफ हो जाओगे तो आपके जीवन में बहुत सारे खुशियाँ और बहुत सारे चमत्कार और आप अपने अंदर चैतन्य शक्ति का जो भाव है अपने जागृत कर सकोगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे में और हम इस वीडियो को चालू करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में जितना समझ सकते हो उतना समझ लो, क्योंकि आपके जीवन में जो सकारात्मक प्रभाव होने जा रहे हैं कल्कि के आने से, आपके जीवन में जो चमत्कार हो जाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखना कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम एक ऐसे उदाहरण के बारे में भी जानेंगे कि आपके जीवन में ऐसे उदाहरण आते रहते हैं, आपके रियल जिंदगी में ये होता रहता है। तो दोस्तों, जबकि हम अपने जीवन में जो शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है, वो अच्छे और बुरे कर्मों से ही चालू होती है, क्योंकि हम अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है ये हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये अच्छे और बुरे कर्म अपने जीवन में कुछ अच्छे भाव और कुछ बुरे भाव लेके आते हैं, उसका प्रभाव अपने कर्मों पे, अपने भविष्य पे होता है। तो दोस्तों, अपने भविष्य पे ये जो प्रभाव होते हैं उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम अपना कर्मा अच्छे से निभाएंगे, अच्छे करेंगे कर्मा, तो अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन फल की आशा न रखना दोस्तों कि हमको अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अपने जीवन में कुछ बुरा भी होता है, लेकिन उस बुराई को अच्छी तरीके से समझना, उसका सोल्यूशन निकालना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है अपने जीवन में, एक क्यों होता है, लेकिन एक क्यों का मतलब आप इस वीडियो में जानने लगोगे, क्योंकि अपने जीवन में दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि कृतज्ञता भाव। एक कृतज्ञता भाव से आप अगर कुछ करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, हम इस कृतज्ञता के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे कितने पल आते होंगे, हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कितने ऐसे पल आते होंगे कि आप उन पलों को भूल जाते हो, लोगों के साथ ऐसे भूल जाते हो कि क्या करना है, उनसे क्या बात करनी है और कैसे व्यवहार करना है, ये हम भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन का एक उदाहरण समझते हैं कि हमारे लाइफ में हर दिन वो होता रहता है। तो ये उदाहरण आपके जीवन में हर दिन होता है, आपके साथ हर दिन होता है। मानो कि मैं अपने माँ का एक लौता बेटा हूँ और हमारी माँ हमारे लिए खाना पकाती है, हर दिन खाना पकाती है, अपने कपड़े धोते हैं, सब अपने लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे करते है कि जिसे हमें खुशी मिले। तो दोस्तों, ऐसे खुशी मिले उनका जो मतलब रहता है, यानी जो कर्म करने की जो भाव रहता है वो पवित्रता से वो कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम कभी उनसे थैंक यू नहीं बोलते, उनसे प्रेम स्वभाव में उनसे बात नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा पता नहीं रहता है कि हम उनसे क्या बोलें और क्या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आप जानिए, हर दिन आपकी माँ आपके लिए खाना पकाती है, कुछ नया बनाती है, कुछ कपड़े भी धोती है, कुछ ऐसे कुछ काम करती है जो आपको अच्छे लगे। तो दोस्तों, आपकी माँ को एक दिन ऐसे करके देखना, आप रियल लाइफ में करके देखना कि उनसे बोलना कि हाँ, आज आपने बहुत अच्छा खाना पकाया, धन्यवाद, आपने अच्छे बहुत कपड़े धो दिए, धन्यवाद। हर कार्य में आपको कृतज्ञता व्यक्त करना है, क्योंकि कृतज्ञता भाव से आपसे आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हो जाएंगे, क्योंकि वो कृतज्ञता से अपने अंदर जो चैतन्य शक्ति का निर्माण होता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। जैसे कि जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो हम उन्हें हर काम के विषय पे कृतज्ञता देते हैं कि भगवान, आज ये काम करना है, ये अच्छा होना है और ये अच्छा हो जाएगा। हम काम पे जाते हैं, वो काम अच्छा होता है, वो भगवान को बोलते हैं धन्यवाद भगवान, हमारा काम बहुत अच्छा हो गया। तो दोस्तों, हमारा काम अच्छा हो गया, ऐसे कृतज्ञता भाव देते हैं तो अपने अंदर जो एनर्जी रहती है वो सकारात्मकता से होती रहती है। तो दोस्तों, ये सकारात्मकता से हमारे
जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में सकारात्मकता प्रभाव जब आता है तो हमारी जो जीवन शैली होती है वो धीरे 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 चेंज होती रहती है और वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान के बारे में हमारे भगवान बताते हैं कि हम जो अनुभव लेते हैं, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो, उसका कोई ना कोई संबंध अपने कर्मों से ही रहता है। तो दोस्तों, अपने कर्मों से ही वो ज्ञान रहता है, वो कर्मों से ही अपने जीवन में आ जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कर्म करते हो तो ये ध्यान में रखिए कि अच्छा ही कर्म करें और बुरा जो कर्म होता है उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही बुरा कर्म करोगे वैसे ही ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ है वो मिल के वही आपको वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसा ही बोओगे पेड़ वैसा, जैसे ही बीज बोओगे वैसा ही पेड़ निकल में आ जाएगा। तो दोस्तों, और वैसा ही फल उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मीठा फल बोना है और मीठा ही आपको खाना है, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि एक आम का पेड़ मीठा होता है तो एक आम का पेड़ बहुत ही खट्टा होता है। तो दोस्तों, ये जीवन में खट्टापन जो है वो मत बो और जो मीठापन है वो बो, तो आपके जो परिवारजन है वो अच्छे से ही वो स्वाद चख पाएंगे, जो मीठा स्वाद है वो चख पाएंगे। तो दोस्तों, ये मीठा स्वाद अपने जीवन में अपने से आता है। अपन जब अच्छे से कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये अच्छा जो कर्म है अपने जीवन में लाना है, अपने जीवन में अच्छा करना है, तब ही आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको अच्छा कर्म करना है और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। नहीं तो आप बोलोगे कि हम ऐसे कैसे ध्यान दे सकते, तो दोस्तों उसका भी उपाय है हमारे वीडियो में, उसका ही उपाय है। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो हम किसी को बुरा बोलते हैं। उदाहरण से, आज मैं कोई काम कर रहा था तो कोई बोलेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करोगे वैसा नहीं, वैसा करो ऐसा नहीं, ऐसा करो। जैसे ही वो बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तब हमारे मन का भाव जो कहता है कि नहीं ये कौन है, हम सब कहा बोल रहा है, ये कहा नहीं बोल रहा है, ऐसे बोल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो भी बोल रहा है हमसे वो अच्छे के लिए बोल रहा है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो हम बोलेंगे कि इन्होंने ऐसे गाली दी, वैसे गाली दी, ऐसा किया वैसे किया मेरे साथ, वो ऐसा करते रहेंगे। लेकिन हमारे जो कर्मा है वो कर्मा अच्छे ही करना है, क्योंकि हमको गाली नहीं देना है, किसी का मन उदास नहीं करना है, किसी के मन को तकलीफ हो ऐसा कार्य नहीं करना है। भगवान यही कहते हैं कि किसी को तकलीफ दोगे तो तुरंत ही वो तकलीफ अपने आप में पाओगे। तो दोस्तों, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को अपना जो जीवन है सब प्रेम बांटो, सब में प्रेम बांटो, तो प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे भगवद गीता में भी लिखा है कि जैसे बोगे वैसे ही पाओगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में एक कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट कर्म से आपका जीवन धन्य हो सकता है, बदलता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे आज कर्म के विषय में आप सीखे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए माँ भगवान शरणम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।